दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि हिंदू धर्म में इंद्रदेव को देवताओं का देवता माना जाता है, इसीलिए इन्हें देवराज भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में लोग इंद्रदेव की पूजा नहीं करते हैं। अब सवाल तो उठता है ना कि आखिरकार ऐसा क्यों है? पूरे भारतवर्ष में इंद्रदेव का कोई भी मंदिर क्यों नहीं है? यानी देवताओं के देवता का मंदिर नहीं है, देवताओं का मंदिर तो है। क्या कभी आपने सोचा? हिंदू धर्म ग्रंथों में इंद्रदेव से जुड़ी हुई कई सारी घटनाओं का वर्णन किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को आपके सामने रखेंगे और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं करी जाती है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि इंद्रदेव कौन है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार इंद्र कोई एक देवता का नाम नहीं है। जो भी स्वर्गलोक की गद्दी संभालता था उसे इंद्र की उपाधि दे दी जाती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये माना जाता है कि अब तक कुल 14 इंद्रदेव ही चुने गए हैं। ऐसा माना जाता था कि जो भी इंद्र पद पर बैठता था उसे अपनी गद्दी चले जाने का डर हमेशा से लगा रहता था, और यही वजह थी कि वो किसी भी साधु या फिर देवता को अपने से ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनने देता था। वो कई सारे ऋषियों को अप्सराओं से मोहित कराकर उनको शक्तिशाली बनने से रोकते हैं। हिंदू धर्म की कथाओं में कुछ इसी तरह के घटनाओं का वर्णन किया हुआ है, और यही वजह है कि कोई भी इंद्र की पूजा नहीं करता है। चलिए आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी लोक में एक गौतम ऋषि हुआ करते थे। वो बड़े ही ज्ञानी और बहुत ही योगी पुरुष थे। गौतम ऋषि एक जंगल में अपनी पत्नी के साथ कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था, जो कि एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार ऐसे ही अहिल्या अपनी पति की कुटिया में सेवा कर रही थी, और उसी समय वहां पर इंद्रदेव गुजर रहे थे, जो अहिल्या की खूबसूरती को देखकर मोहित हो गए। जिसके बाद वो धरती से स्वर्ग लौट तो आए, लेकिन उनका मन अहिल्या पर ही अटका हुआ था। वो ये सोचते थे कि ऐसा क्या करा जाए जिससे ये सुंदर स्त्री उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। तब उन्होंने एक छल का सहारा लिया। उन्होंने देखा कि गौतम ऋषि हमेशा सुबह के समय अपनी कुटिया से बाहर ध्यान लगाने के लिए जाया करते थे। तो इंद्र ने एक दिन ऋषि गौतम के कुटिया से चले जाने के बाद उनका रूप लेकर वहां प्रकट हो गए। अहिल्या ने देखा कि आज ऋषि गौतम इतनी जल्दी ध्यान करके आ गए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी गौतम रूपी इंद्र से कोई सवाल जवाब नहीं किया और उनकी सेवा में लग गईं। कुछ समय बाद जब ऋषि गौतम कुटिया में वापस लौटे तो उन्होंने अहिल्या को अपने बहुरूपिये के साथ देखा, और उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग के राजा इंद्र हैं। गौतम ये सब देखकर काफी ज्यादा क्रोधित हो उठे, और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस पत्नी की योनि के लिए वो इतना तड़पता है तो वैसी ही योनियां तुम्हारे शरीर से निकल जाएं, और देवताओं के राजा होने के बावजूद भी तुम्हारी पूजा ना के बराबर हो। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद इंद्र अपने असली रूप में आ गए और ऋषि गौतम के पैरों पर गिर गए। ऋषि को इंद्र पर दया आ गई और उन्होंने इंद्र के शरीर पर बह रही योनियों को आंखों में बदल दिया। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद से ही इंसानों ने इंद्र की पूजा करना छोड़ दिया था। एक ऐसी ही दूसरी घटना का वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म से पहले ब्रज में इंद्र की पूजा बहुत ही बड़े धूमधाम से करी जाती थी, लेकिन जब कृष्ण ने देखा कि वहां के लोग इंद्र की पूजा करते हैं तो उन्होंने वहां के वासियों को कहा कि तुम्हें ऐसे इंसानों की पूजा नहीं करनी चाहिए जो ना ही ईश्वर हो और ना ही ईश्वर तुल्य हो। इसके अलावा तुम्हें गाय की पूजा करनी चाहिए जिससे हम सबका जीवन चलता है। उधर जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो उठे और उन्होंने ब्रजवासियों पर तेज बारिश करने का सोचा जिससे वो डूब जाएं। इसके बाद तेज बारिश के चलते ब्रजवासी डूबने लगे, और फिर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठाया और ब्रजवासियों को उसके नीचे बुला लिया। ये सब देखकर इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया। बाद में वहां इंद्रोत्सव की जगह गोवर्धन पर्वत उत्सव मनाया जाने लगा। दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि मंदिर उसी देवता का बनाया जाता है जिसकी पूजा होती है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्र की पूजा नहीं होती है, इसीलिए इनका कोई मंदिर नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।